हे एवरीवन, मैं शालिनी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरुआत से डांस सिखाने की जो सीरीज है उसका 23वां भाग है। ये सीरीज मैंने उन लोगों के लिए चलाई जिनको बिल्कुल भी डांस नहीं आता और वो सीखना चाहते हैं। तो अगर आप शुरुआत से डांस सीखना चाहते हैं तो आपको इस सीरीज की प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर करिए और आप डांस करना जरूर सीख जाएंगे। तो जो ये सीरीज है, मैंने सबसे पहले मैंने आपको पैर चलाना सिखाया, फिर कमर चलाना सिखाया, और पिछले कुछ वीडियोस में कंधे चलाना सिखा रही हूँ। तो आज मैं अब आपको हाथों को कैसे यूज करना है डांस में, उसके कुछ स्टेप बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरी अगर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हुए हैं, आपने देखा हुआ है, तो आप ये वाला पैर चलाना सीख गए होंगे। और ये पैर आपका नॉर्मली बहुत चलता है। आप स्लो डांस कर रहे तो भी चलता है, फास्ट डांस कर रहे तो भी चलता है। तो आप पैर चलाइए, ओके। सिर्फ देखना नहीं है, मेरे साथ करना है डांस। अगर आपको डांस करना है, सीखना है, मन से डांस करना है, तो आप खड़े हो जाइए और 10 मिनट तो अपने लिए जरूर निकालिए, ओके। तो आपके पैर ये चल रहे हैं, ओके। अब आपको समझ नहीं आ रहा हाथ कैसे चलाएं? सिंपल, राइट वाला ऐसे घुमाइए पीछे को, बस कुछ नहीं करना है, खाली पीछे हाथ हिलाने हमने। ये मैं अभी आपको कोई सॉन्ग भी नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ आपको हाथ चलाना सिखा। तो मैं आपको 2 या 3 स्टेप हाथों के आज बता दूंगी, ताकि आप अपने हाथ नॉर्मली चला लें। तो जैसे आप खाली नॉर्मली हाथ चला रहे हैं, पहले ओके, ये हाथ अपने हाथ घुमाया आपने। अब इसी हाथ को अब आप इसको बीट में कैसे करेंगे? खाली हाथ चला लिए, नहीं, स्टेप बनाना है। तो स्टेप कैसे कर बनाएंगे? 1 2 3 एंड 4, बस हो गया, बन गया आपका स्टेप। पैर आपके चल रहे हैं, हाथ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो आपने जो भी पहना है या फिर कमर में उसको पकड़ लीजिए। दूसरा हाथ आप लूज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बहुत गंदा लगता है, तो आप उसको पकड़ लीजिए कुछ भी, और अपना राइट हैंड यूज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल। अभी आप कोई मान लीजिए ढोलक चल रहा है, कुछ भी आप, हमने ढोलक में कर दिया ये, ओके। अब ये स्टेप हम साइड में करेंगे, ओके। तो आपका लेफ्ट वाला हाथ से हमने अपने कपड़े पकड़े हुए हैं, अब राइट वाला हाथ देखिए ये, ओके, ये किया आपने, 1 2 3 4, राइट लेफ्ट, 1 2 3 4, तो इसी में मैं आपको तीसरा स्टेप बताती हूँ। मैं राइट से कर रही हूँ, आप भी राइट से कर लीजिए। अब साइड वाला है, ओके, और हाथ सेम चलेंगे हमारे। अब हमने क्या करा था, बाहर को, अब अंदर को करेंगे हाथ। अभी मैं सिर्फ आपको इस पैर में चलाना सिखा रही हूँ, मतलब ये हाथ आप कोई भी पैर करेंगे तो चला सकते हैं। तो आप स्लोली देखिए कैसे कर रही हूँ मैं, लेफ्ट राइट देन लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये 3 स्टेप बता दिए आपको। तो मैं आपको शुरू से यहां तक फिर से बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसा लगा ना मैंने डांस कर दिया पूरा, लगा कि नहीं लगा? तो ऐसे ही आपका भी लगेगा। प्रैक्टिस जरूरी है, देखने से नहीं होगा। देखिए आप मेरी वीडियोस को लगाइए, 10 मिनट अपने आपको जरूर दीजिए और शुरुआत से सीखिए। नुकसान कुछ नहीं है, फायदे फायदे है डांस करने के। पूरी आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होगा, फिट रहेंगे, आपको कोई जिम करने की जरूरत नहीं है। आप डेली अगर 10 मिनट अपने आपको देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 दे दीजिए, क्या ही है, दिन भर में 15 मिनट अगर आपके लिए निकालते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डांस जरूर सीख जाएंगे। बस मन में सोचना है और प्रैक्टिस करते रहनी है, मेरी वीडियो देखते रहनी है। मेरी वीडियो में जो यहाँ तक पहुंचा, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डांस क्लास में, तब तक के लिए बाय।